तो सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में। महेंद्र सिंह नाम है मेरा, राजस्थान अजमेर जी। पुष्कर से 12 किलोमीटर, अजमेर से 25 किलोमीटर जी जी दूरी पे अपना ये छोटा सा फार्म है। हाँ हाँ, और आज क्या बताने वाले हैं सर, ये थोड़ा सा बताइए। जो कस्टमर माल खरीदते हैं उसमें कुछ कमियां रह जाती है उनकी, नए लोग आते हैं तो उसकी लापरवाही क्या रहती है कि यहाँ के किसान को तो माल बेचना रहता है, लेकिन वो खरीदारी में लापरवाही करता है जी। ब्रीड सिलेक्शन का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। हाँ भाई, अपन फार्मिंग कर रहे हैं तो सिरोही अजमेरी कोई मायने नहीं रखती उसमें। हाँ, सिरोही हो चाहे अजमेरी हो, एक ही ब्रीड में आती है जी जी, तो दोनों ही परचेजिंग कर लें। हाँ, अब उसमें क्या है, एक सिरोही का पार्ट आता है कि जो लोग क्या है ब्रीडिंग में सिरोही बकरा है टॉप में, तो उसको परचेज करके देसी बकरी को क्रॉस करा लेते हैं, तो उसमें कलर तो आ जाता है लेकिन वो फ्रेम का डिजाइन नहीं बन पाता उसमें। बिल्कुल, तो उसमें लापरवाही करते हैं। उसको क्या है कि ट्रेडरों ने एक गलत तरीके से उस सिरोही को बना के इस तरीके से बेचते हैं वो। मतलब जो ये अमूमन यहाँ की जो देसी नस्ल भी उसी तरीके से दिख रही है, जो देसी आती है ना इसमें वो मुंडी मुंडी देसी बकरियाँ आती है और ऐसे शादी होती है, तो उस इससे उसको क्रॉस करा लेते हैं, या इधर देसी बकरियाँ जो भी होती है उनको ब्रीडरों से क्रॉस कराते हैं, तो उसमें मतलब एक तो फेस क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और फ्रेम नहीं बनता, फ्रेम उसका थोड़ा छोटा साइज हो जाता है, हाइट छिंगनी रह जाती है। हाँ, क्योंकि तो देसी बकरी जो है वो वेट गेनिंग उतना नहीं आता जितना अपन सिरोही ओरिजिनल बना के बेचते हैं ना, उसमें वेट गेनिंग नहीं आता। हाँ, तो वो एक देखते देखते ठगी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, तो उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, और एक अच्छे से परचेजिंग करे, जो अच्छा फार्म चला रहा है उसी से परचेजिंग करे जी। माल तो सबके पास है। हाँ, अब क्या हो रहा है कि अजमेर के अंदर जो क्वालिटी है इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि चारों तरफ हर चीज़ दिमाग में एक ही है कि सिरोही परचेज करनी है, तो उनको क्या करना है कि थोड़ी क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी धीरे धीरे आने वाले टाइम में, क्योंकि आप पैसा मांगो जितना ही देके कस्टमर तो ले जाएगा, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्वालिटी डाउन नहीं होने दें परचेजिंग में, अच्छी क्वालिटी। और यहाँ के किसानों से है कि वो बना के रखें, पूरी ख़त्म नहीं करें, ये नहीं अपन पैसे के चक्कर में सारा ही समटा रहे हैं काम, वो उस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। बिल्कुल, और जो अच्छा माल दे लोगों को और अच्छा रखें। बिल्कुल, ब्रीड सिलेक्शन मतलब सिरोही में और अजमेरी में एक ही पैटर्न चलता है, तो उसमें तो परचेजिंग करें, लेकिन थोड़ा फ्रेम जानवर का कितना अच्छा है नहीं है वो देखें। क्या उम्र की बकरियों का चयन करना चाहिए, जैसे जो नए लोग हैं वो 1.5-2 साल की बकरी लेनी चाहिए, 1.5-2 साल की बकरी होती है ना वो अच्छी होती है। उसमें परचेजिंग करते हैं तो अपन अपने ब्रीडिंग सेटअप जैसे 10-12 साल अच्छे तरीके से चल जाता है, आने वाले में टाइम में उनकी जनरेशन बहुत ही अच्छी बनी हुई चलती रहती है। हाँ, बेचने के लिए तो देखो कुछ भी बता दें, अब क्या है नए लोग आते हैं तो कई लोगों ने बताया जो बिल्कुल ख़त्म बकरियाँ हैं उसको भी बता दे दूसरे बार बच्चा दिया हो, तो वो तो बेचने को तो बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, दांत वगैरह तो फ्रेश ही आते हैं इनके, जैसे बिल्कुल अडल्ट तो बकरी वो होती है जैसे कि दांत घिसने लग जाए। हाँ, बूढ़ी। हाँ, 2 साल की बकरी जैसे 8 दांत के करीबन कर लेती है वो। 2 दांत की? 2 साल? नहीं, 2 साल की नहीं, क्या 3 साल में वो बनाती है? 2 से 3 साल का एवरेज में मतलब वो 8 दांत के करीबन बना लेती है, क्योंकि 2 साल की बकरी हो जाती है 6 दांत करीबन अक्सर बनते हैं उससे, 2 साल के बाद वाली बकरी ही 8 दांत पे जाती है। 2 साल जैसे ही निकलते हैं ना तो वो क्या है, हर 4-4 महीने में कुछ दांत करने लग जाती है लास्ट टाइम में। हाँ, तो 2 साल जैसे कंप्लीट हुए ना वैसे ही वो 8वें दांत निकालने स्टार्ट करते हैं, शुरू कर देती है। हाँ, वो तो 2 साल ही। तो अभी मान लीजिए 2 से 2.5 साल की जो बकरी वो तो फ्रेश ही है, वो फ्रेश है, फ्रेश ही उसको है, उसने 2 ही बार ओल्ड नहीं माने उसको। हाँ, उसने एक ही बार, या अब लोग क्या बोलते हैं 8 दांत हो गई तो वो ओल्ड हो गई, ओल्ड नहीं होती है वो, यंग है बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल यंग है वो। वो तो दांत देखते हैं अपने को पता चल जाता है, जैसे दांतों में पीलापन आने लग जाता है और एक दांत अंदर की साइज से धीरे धीरे साइज छोटे होने लग जाता है दांतों का, तो एज का उसमें पता चल जाता है, खट से देख के फिर परचेजिंग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो यहाँ से बकरियाँ लेकर जाते हैं वो अक्सर ग्रेजिंग में रहती हैं बकरियाँ, है ना, बाहर चरने के लिए। ओपन ग्रेजिंग का ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ पे क्योंकि देखिए भाई आदमी अपनी सुविधा के हिसाब से ही पालता है,
तो यहाँ पे अभी जैसे माहौल है अभी, या कहा जाए तो एरिया है अभी, कि भाई जंगलों का सहारा मिल जाता है, थोड़े से खेत में पेड़ मिल जाते हैं, तो उस वजह से रचका मिल जाता है। देखो यहाँ पे गलती किसी की नहीं है, यहाँ पे क्या है कि वो खर्चे बचाते हैं लोग। हाँ, तभी तो मुनाफा कमाएंगे, बचेगा तभी तो खर्चे बचाएंगे तब। अब लोग बोले यार नहीं मेरे को टाइम नहीं है, मैं तो सीधा ही डालूंगा सब कुछ, तो उसका कोई प्रॉफिट इतना मजे वाला नहीं आएगा। अब भाई खर्चे बचा लिए, एक तो बकरी को 10 रुपए में पाल रहे आदमी, 100 रुपए में नहीं पल रही उससे, बिल्कुल, तो वो तो फ्लॉप होने का चांस बन रहा है ना उसका, तो ऐसे है। तो वो कोशिश करें कि यार अगर स्टॉल फीड पे काम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपके पास थोड़ा बहुत इधर उधर से, मतलब पेड़ों की टहनियां कटवा के मंगवा ले लेबर से, थोड़ा बहुत इधर से जैसे घंटे दो घंटे के लिए सजेशन। हाँ, यही है कि भाई आप उन्हें थोड़ी कॉस्ट कम पड़ती है, जैसे 70-80 रुपए का पेड़ आ रहा है या 100 रुपए का आ रहा है, तो उसको पूरे को काट के खिला दिया, 40 जानवर उसमें खा पी रहे हैं आराम से, तो वो तो एक फीड कॉस्ट कम कर ली ना अपन ने। बिल्कुल, 100 रुपए में 40 बकरियों को अच्छा पेड़ खिला दिया, तो उसको पूरे दिन खा लिए। ये क्या उम्र पे है सर बकरी अभी अपनी? ये 4 दांत पे है, दोनों बहनी है। अच्छा, ये दोनों बहनें हैं। हाँ, अभी प्रेग्नेंट है। 4 दांत पे, बहुत बढ़िया, वापिस लगी हुई है अभी, शानदार। अभी उसमें जानवर थोड़े नई पट्टे वगैरह तैयार होगी अब। बढ़िया, एक नंबर चमक रही हैं बकरियां, ये देखिए जो अभी ये देखते हैं ना कि पतली चमड़ी वाली होनी चाहिए, बिल्कुल स्किन देखेंगे, बिल्कुल स्किन सॉफ्ट वाली, बिल्कुल फ्रेम के डिजाइन में देखना चाहिए, लंबा पूरा फ्रेम इसमें, मतलब हमारे क्या है कि सिरोही नस्ल, अभी तो बीटल नस्ल देखते हैं पंजाब वाली, तो आप हाइट मायने रखती है उसमें। हाँ, इसमें वो चीज नहीं है। इसमें तो एक तो कलर कॉम्बिनेशन है, और कान भी इसके कोई ज्यादा विशेष लंबे चौड़े नहीं होते, नाप के रहते हैं, और बॉडी फ्रेम का डिजाइन सुंदरता ज्यादा रहनी चाहिए, मतलब उसमें। अब देखिए जैसे रोमन फेस, अब फेस क्वालिटी तो अब देखो धीरे धीरे सुधर रही है, जितनी सुधरे उतनी अच्छी है, और मतलब कमर में बेन आना चाहिए, और सुंदरता अच्छी रही, हाइट कम हो तो कोई दिक्कत मायने नहीं रखती सिरोही नस्ल के अंदर हाइट, क्योंकि ज्यादा मायने नहीं रखती, ब्रीडर हाइट मायने ब्रीडर रखता है। तो अपन ने कुछ ब्रीडर से अच्छी हाइट की बकरियां आ रही है तो अच्छा प्लस पॉइंट है अपने लिए, लेकिन सुंदरता के हिसाब से बिकती है ये, तो हमने तो आज तक हाइट के हिसाब से बकरी बेची नहीं है। हाँ हाँ, ऐसा है कि बकरी की भाई 40 हाइट बता रहे हैं, 40 तो देखो सब झूठ है, ये तो ब्रीडर है कुछ भी बता सकते हैं, 40 तो झूठ है सब। आप एक कह सकते हैं कि तो बता दे भाई, लंबे लंबे फ्रेम की बकरियां मैंने देखी, फ्रेम लंबा रहना चाहिए है ना, जिसमें हम पाता है वो लंबे फ्रेम की भरे दिखती हैं बकरियां, जो पुरानी ब्लड लाइन चली आ रही है वो लंबा होता, लंबा फ्रेम होता था जी, जी। बकरियां भले छोटी रहती थी पर फ्रेम बहुत लंबा होता था। पता उसका वेट आप देखेंगे तो आपकी 40 हाइट वाली बकरी में वेट नहीं आ रहा है, उसमें हल्की जो कम हाइट वाली बकरी में वेट ज्यादा आ रहा है, तो उसमें वो प्योर आज के जैसे 40 साल पहले अपन देखें, 40-45 साल पहले की जो बातें सुनते हैं अपन पुराने बुजुर्गों से, मतलब हाइट कितनी भी कम है उसकी लेकिन वेट गेनिंग ज्यादा है, वो प्योर ऐसे मारवाड़ी बकरी के नाम से प्रसिद्ध थी यहाँ की सिरोही, प्योर मारवाड़ी माकड़ी ऐसे सिरोही नाम से चलती थी वो, माकड़ी बोलते थे, माकड़ी बोलते हैं उसको सिरोही माकड़ी, और एक मारवाड़ी नाम से चलता था। तो पहले आपके उधर ये MP साइड के लोग बाहर वाले वही परचेज ज्यादा करते थे, यहाँ के लोकल तो इतना एक एक बकरी वाले ही थे, आजकल तो घर घर में बकरी फार्म हो गए हैं, सोशल मीडिया से काफी इफेक्ट पड़ा है उस चीज का, ऐसा है। बिल्कुल, ये जो आप पकड़ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये तो देखो अच्छा कलर लग रहा है, ये तीसरी बार बच्चा दे चुकी है अब, इसका भी चौथी बार है। ये क्या है कि जैसे फ्रेम का डिजाइन ये देखते हैं अपन, तो ये है तो ठीक है, अच्छा फ्रेम है इसका, अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, बहुत बढ़िया बच्चे अच्छे डबल देती है, दूध देने की क्षमता भी वही 1.5 लीटर 1.5 लीटर तक, एक टाइम का 1.5 लीटर दूध आता है मतलब इसके। तो सर थोड़ा सा मुझे ये बताइए, जो नए लोग आ रहे हैं जी, उनको भाई ये सारी चीज़ें वो जैसे ख्याल रखते हैं, और किन किन चीज़ों का उन्हें विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें नुकसान ना हो? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बहुत उम्मीद लेकर आते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। बिल्कुल, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए।
एक तो देखो प्रैक्टिकली अपन जो काम करेंगे हाँ उसमें तो जानकारी बढ़ती है अपनी। जी जी। एक इनकी डीवॉर्मिंग का विशेष ध्यान रख ले, 3 महीने से 3 महीने डीवॉर्मिंग करनी है अपने को। जी जी। साल्ट चेंज कर लो हाँ हाँ। और एक इंफॉर्मेशन किसी डॉक्टर या वेटनरी के कनेक्टिविटी में रहेंगे अपन हाँ हाँ। तो उसे ये प्रेगनेंसी सेफ रहे ऐसी जो डीवॉर्मिंग की दवाइयाँ आती है उनसे करवाई। बिल्कुल। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और डीवॉर्मिंग हो जाती है तो सारा कंप्लीट हो गया हाँ। जानवर का जो 12 महीने रहने का मेंटेन करने का वो सिस्टम चेंज सेट रहता है हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। बिल्कुल। बेवजह बीमार नहीं होता जानवर हाँ। हेल्थ भी अच्छी जो भी रहती खाता है उसके शरीर में लगता है। बिल्कुल लगता है ना। परेशान एक 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 देखे एक आप देखेंगे एक जिसकी डिवॉर्मिंग नहीं हुई होती है वो जानवर खुद से परेशान रहता है। बिल्कुल। चिड़चिड़ापन रहता है उसमें थोड़ा। बिल्कुल। वो स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस में रहेगा तो ना बराबर खाएगा ना बराबर उसमें ग्रोथ देखने मिलेगी और ना ही उसमें हमें वो प्रोडक्शन देखने मिलेगा क्योंकि भाई जो चीजें हैं उसे सही से होनी चाहिए थी। प्रॉपर टाइम पर हीट हमें आना चाहिए था। कंसीव करना चाहिए तो वो नहीं करता है। वो टाइम चेंज हो जाता है उनका फिर वो आने वाले टाइम में दिक्कत आ जाए। कहीं रिपीटर का प्रॉब्लम आता है कहीं कहीं क्या आ जाता है। अब बच्चा किस कारण गिराती है कहीं तो लापरवाही अपनी रह जाती है उसमें जिस कारण गिराते हैं तो वो एक क्लीनिंग नहीं होती तो उसमें दिक्कत आता है। एक जो वैक्सीनेशन का इनमें विशेष तौर से पुराने टाइम में तो नहीं चलता था कोई वैक्सीनेशन लेकिन आज देखो पुराने टाइम में तो 150 जानवर रहते थे उनमें 10-20 चले गए तो कोई मायने नहीं रखता था। आजकल इनका रेट लगता है अच्छा प्राइस चलता है और तो इसलिए वैक्सीनेशन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नए आदमी जो भी आ रहे हैं मतलब वैक्सीनेशन तो इम्पोर्टेंट है। एक जो चीज़ बेसिक जो जानकारी रहती है उसके बारे में छोटा मोटा ट्रेनिंग भी जो हो रहे हैं आजकल NLM के थ्रू करवा रहे हैं लोग पता है कई बाइन बन के हो रहे हैं ट्रेनिंग तो नहीं बिल्कुल सरकार भी लगी वो चीज़ें गवर्नमेंट भी लगी हुई है कुशल बनिए हाँ अपने मतलब एक आत्मनिर्भर हो जाए ना आदमी तो वो अच्छा है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहे तो उसके लिए आप मतलब बेसिक जानकारियां सारी ले। बिल्कुल। और एक कनेक्टिविटी जो लोग फार्म डाल रहे हैं उनसे कनेक्टिविटी बना के रखे सारी क्या क्या रोग हो रहे हैं किस मौसम में क्या चीजों का ख्याल हमें रखना है अगर हमको पता रहेगा भाई किस सीजन में क्या खिलाना चाहिए क्या डाइट हमें देनी चाहिए बकरी क्या डिमांड कब करती है है ना बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। बहुत सारे हैं जैसे अपन जो करेंगे ना काम तो सवाल ऑटोमेटिक खड़े होते जाते हैं अपने आगे। बिल्कुल। और तो कनेक्टिविटी अच्छे लोगों से बना के रखें और बेचने में कोई दिक्कत विक्कत तो आती नहीं है वैसे हमारे तो इधर कभी नहीं आई। अच्छा। मैं तो बोलूँ कटिंग में भी जानवर कोई जैसे फार्मिंग में 99% जानवर जाते हैं कोई कटिंग में तो वो जानवर जाए जो सो किसी को दिक्कत है कुछ है तो वो जानवर वैसे होते हैं बाकी तो सब फार्मिंग में चले जाते हैं। जी जी। कनेक्टिविटी बना के रखे तो सेल भी हो जाता है जानवर। बहुत अच्छे मतलब जितनी खपत है ना उससे कम उपज है बकरी पालन में अभी जो काम चल रहा है काफी फैला चारों तरफ फिर भी जितना प्रोडक्शन है उसके बजाय खपत उत्पादन कम है। उत्पादन कम है जितना डिमांड है उस हिसाब से अपने पास अभी उत्पादन ही नहीं हो रहा है। उत्पादन नहीं हो रहा उतना जितना अपन सोच रहे हैं। जी जी। मतलब उत्पादन बढ़ाना है इसको तो एक जैसे गवर्नमेंट जो कर रही है उसके साथ किसान लगेगा तो आने वाले टाइम में मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। देखो उसमें काफी चीजें मायने रखती है लेकिन ठीक है अगर अपन ब्रीडिंग पे काम करें आगे बढ़ाएं तो इसकी सारी जानकारियां कलेक्ट करके और धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल। और छोटी शुरुआत करें तो सीखने को मिल जाता है प्रैक्टिकली हाँ। और बड़े स्तर पे अब लोग क्या बड़े बड़े बैठे हैं तो वो बोलते हैं 500 आज डाल दो तो वो तो एक 500 डालना और एक उसको मेंटेन करके चलना एक वो थोड़ा अलग बात है अंतर वाली बात है। एक तो बात करते हैं अपन हाँ वो एक ये तो है नहीं प्रॉपर्टी बना दी खड़ी कर दी चल जाएगी अब सिस्टम ये लाइव जानवर है एनिमल है तो इनका मतलब कम क्वांटिटी में लेके सीख के फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। नए जानवर अगर ये जानवर जो फ्रम में चल रहे हैं अपने अब वैक्सीनेशन में भी कहीं बोले यार मैंने वैक्सीनेशन कराया मेरे तो शिकायत आ रही है तो वो क्या गलती करते हैं कि परचेज आज कर लिए जानवर फिर वो गलती आगे जाके कर रहे हैं कि नया जानवर कहीं से उठा के उसमें वो डाल दिया तो वो क्या है जैसे PPR है ये FMD एक दूसरे से फैलता है आगे से आगे
कई जीवाणु जनित रहते हैं, कोई विषाणु रहता है, तो वो एक आगे से आगे फैलते हैं, तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नया जानवर आया तो उसको साइड में वैक्सीनेशन करा के महीने भर दूर रख के फिर इनमें डालें तो ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और एक जो परजीवी जानवर आते हैं, जैसे लोग तो स्टॉल फीडिंग पे ही नहीं है तो स्टॉल फीडिंग में आ रहे हैं ज़्यादातर, बोले कौन घुमाए इधर उधर लपड़ा खत्म, तो उनको क्या करना है कि जो ग्रेजिंग पे जो बकरियाँ जाती है, परजीवी जो जानवर आते हैं जैसे उड़ने वाले कीड़े आ जाते हैं, जू चीचड़ आ जाते हैं, बाहर से आ जाते हैं, तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक तो जू चीचड़ का तो आजकल वैक्सीनेशन आगने लग गया, उड़ने वाले वो कीड़े आते हैं आजकल, तो उन पे क्या है कि ये जो फसलों में अपन देते हैं ना BSC पाउडर और ये जो चूल्हे की राख बनी हुई आती है जी जी, उसको मिला के छान के मिला के उनका स्प्रे ऐसे डालना चाहिए अपने को, हाथ से करना चाहिए ना, और बाड़े के अंदर भी डालना चाहिए, जैसे बाड़े के अंदर अपन चूना डालते हैं उस टाइप से वो BSC पाउडर और राख मिला के उसमें थोड़ा करना चाहिए, इनके बालों में भी डालना चाहिए तो वो निकल के जानवर हट जाए इनसे। बिल्कुल। थोड़ा मतलब कभी कभार चेक कर लेना चाहिए, जैसे इनके अपन जैसे ऐसे बाल उठा के देखेंगे ना तो उसमें वो छोटे छोटे कीड़े चलते हुए दिख जाएंगे। देख इनके भी हुए थे अभी बीच में, अभी नहीं है, तो मैंने 2 बार किया था इनके जी, अभी ठीक है। तो उन चीज़ों का भी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जैसे फसल कटती है ना खेतों से तो वहाँ के जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो अपने घरों की तरफ आते हैं, तो उसके लिए भी अपन को तैयार रहना है कि परजीवियों से काफी बचाना है, मतलब बाहर जो ग्रेजिंग में जाती है तो दुश्मन तो वही कहलाए, वही है, तो उनसे जानवर अपने को दिखता ही नहीं है, अपन फुल खिला पिला रहे हैं, उनका बॉडी मेंटेन नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन चीजों का भी छोटी छोटी मतलब बारीक बारीक चीजें अपने को ऑटोमेटिक जैसे करते जाएंगे काम तो अपने को समझ में आती रहेगी, बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, जो सर ने पहलू रखे हैं बिल्कुल वो जायज़ हैं कि भाई आपको इतना जानकारी लेनी ही है, इस तरीके से तैयारी करनी है और ख़रीदते समय भी इन इन बातों का ख्याल रखना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अधिक जानकारी के लिए सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।